नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत सिंह, आप देख रहे हैं माइंडसेट टेक्नो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इग्नू ऑनलाइन एडमिशन को प्रोसेस को लेकर, जो कि आप सभी को पता है कि वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए और एक बार बता दिया जाए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो गाइज़, ये बेसिकली साइट का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। बेसिकली न्यू क्या है इस पर वो देख लेते हैं। गाइस, आप सभी को पता है इग्नू में जो फीस वेव है, यानी कि एससी और एसटी के लिए जो फीस नहीं लगती, उसके संदर्भ में इसमें कहा गया है कि अगर आप जैसे कि इन ए पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल फैसिलिटीज़ फॉर फीस एग्जम्पशन अवेलेबल टू एससी एंड एसटी, ठीक है, स्टूडेंट कैन बी क्लेम फॉर वन प्रोग्राम ओनली। जैसे कि मान लो अगर आप बीएससी जी में एडमिशन लेते हैं तो आप उस कोर्स के लिए जो आप प्रोग्राम में एडमिशन लिया उसके लिए आपको फीस वेव मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप उसमें भी कर लेते हैं एक और कोर्स, एक और प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें भी जाते हैं और आप फीस मींस कि आप वर्क देते हैं उसको भी, ठीक है, तो अब आपके साथ में एक प्रॉब्लम आएगी जिस कारण आपकी जो आपने रजिस्टर्ड किया है, जिसके लिए एडमिशन लिया है, वो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये गलती मत करना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दोनों ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए ऐसा कर सकते हैं, ओके, क्योंकि फ़ीस वेव आपको एक ही में मिलेगा जिसमें आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार थोड़े इंस्ट्रक्शन को लेकर। जैसे कि इसमें फर्स्ट हमारे पास दे रखा है, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर एडवाइज टू क्लिक दी अवेलेबल प्रोग्राम टैब ऑन दी होम पेज। मीन्स कि आपको यार अगर आप न्यू बंदे हैं इस पे, आपने रजिस्टर्ड नहीं किया अपने आप को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो पहले ही रजिस्टर्ड कर चुके हैं, मीन्स कि आपने किया हो और आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो आप यहाँ से अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेंगे और ये कैप्चा आपको नोट करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर लॉगिन करेंगे तो आपका जो पेज आपने जितनी भी डिटेल फिल की थी वो सभी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे ये कोवन प्रोस्पेक्ट है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना जब भी आप इस साइट पर आओ। इसमें कुछ अहम बातें हैं और इसमें सारे ही प्रोग्राम के बारे में आपका डिटेल में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन से कोर्स की कितनी वेटेज होती है, कौन से कोर्स में कितनी फ़ीस लगती है, आपके कितनी ड्यूरेशन होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या प्रोस्पेक्ट और रहने वाले हैं इस पूरे कोर्स के रिलेटेड में। आपको सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस कोवन प्रोस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लेना, ओके। आगे बात करते हैं। अब आप सभी को पता है ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिर उसके बाद में वाइल चूजिंग योर पासवर्ड इट मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। यूज़र नेम आपका, पहले बात करते हैं यूज़र नेम की, तो यूज़र नेम है वो आपका 8 to 16 कैरेक्टर की, 8 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और 16 से ज़्यादा ना हो, इसके बीच में आपकी लिमिट होनी चाहिए और वो भी अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। उसमें कोई भी आप जैसे स्पेशल कैरेक्टर है वो आपका इंट्रोड्यूस होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका है पासवर्ड, सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है 8 to 16 कैरेक्टर, और इसमें भी आप कोई भी एक अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐड कर देना नेम के साथ में। और कई बार यार स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैच नहीं कर पाता, अवेलेबल नहीं होता, तब आपको प्रॉब्लम आती है, आपसे दोबारा से वो करने को बोलता है और कई बार ऐसा प्रोसेस चलता भी रहता है, ठीक है। मीन्स की बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को अपने रजिस्टर्ड करने में, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। उसमें एक ऑप्शन आता है साइड में कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास मेल आएगा, उसके ज़रिए आप फिर लॉगिन करना।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। पहली चीज स्कैन फोटोग्राफ, ठीक है। और गाइस जब आप स्कैन करेंगे बेसिकली कैम स्कैनर की हेल्प से, तो आपको क्या करना, मोबाइल से ही करने की बता रहा हूँ, कैम स्कैनर पर जाएंगे तो आप स्कैन कर लेना। फिर इसमें 100 KB का बोला है कि 100 KB से लेस होना चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए। तो उसमें एक ऑप्शन आता है, वो मैं भी उसका भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखा दूँगा कैसे आपको KBs कम करनी है, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर में हम जनरली ईजीली कर लेते हैं, बट मोबाइल से कैसे करनी है वो भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका सिग्नेचर क्या है, इसके लिए भी आप क्या करना है, एक ब्लैंक सीट लेना है A4 साइज की, जो फोटोकॉपी वाली सीट्स हैं उस पर सिग्नेचर कर लेना प्लेन सीटों की, और उसको स्कैन कर लेना, ठीक है। मोबाइल से ये सारे ही प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एज प्रूफ है, एज प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा देना, ठीक है, अपना, ओके। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको भी स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से। और जो KB सेट करनी है, मींस कि आपको फाइल की जो कैपेसिटी है वो कम करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आपको मोबाइल से करनी है। फिर उसके बाद में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट की कॉपीज़ हैं, वो भी आपको स्कैन फॉर्मेट में लगानी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आपको सेक्शन वाइज मिलती जाएंगी, ठीक है, वो आप फिल कर देना। और उसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं और कुछ रिक्वायर्ड होती हैं जो आपको मस्ट हैं कि सबमिट करनी है। जो ऑप्शनल वाली हैं आप उन्हें साइड वाइज भी कर सकते हैं, मींस कि छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड हैं, जो मस्ट हैं, उनको करना ही है, ठीक है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट ज़रूर लगा देना। अगर आप नहीं लगाते हैं और फिर बाद में फ़ीस के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप शो करते हो बट सर्टिफिकेट नहीं लगाते तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में आपको RC के थ्रू कराना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही कर देना। और गाइस ये इजी प्रोसेस आप मोबाइल से जनरली कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और फिर बाद में आएगा पेमेंट का। अब पेमेंट का इसमें मेथड ये होता है, एक रूल ये होता है कि जैसे मान लो अगर आप BSc या BA में एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो एडमिशन के टाइम पे ही आपसे ले ली जाती है, और जो आपकी बुक्स होती हैं उसकी भी फ़ीस स्टार्टिंग में ही लग जाती है। अगर आप PDF फॉर्मेट की बुक्स चाहते हैं कि आप हार्ड कॉपी ना लेकर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको फ़ीस में कोई डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, तो आपके वो पैसे सेव हो जाते हैं। अगर मान लो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो 200 के अराउंड आपके पैसे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और अगर कोई पॉइंट रह जाता है वो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, आपने पहले ही लॉगिन किया हुआ है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेना और अपनी स्टेप बाय स्टेप डिटेल फिल कर देना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और कोई भी डाउट आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं ऑल सोशल मीडिया हैंडल पे हूँ अवेलेबल, तो आप मुझसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी हमारा है, और गर्ल्स के लिए अलग से मैंने ग्रुप बना रखे हैं जिसमें इग्नू की हेल्प के लिए उनके रिगार्डिंग ग्रुप्स हैं, उसमें गर्ल्स ही एडमिन हैं, और बॉयज़ और सभी के लिए एक कॉमन ग्रुप भी है हमारे पास जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी एग्जिस्ट हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट रहता है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई और प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट रिलेटेड या फिर कुछ और प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप हमसे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट आप सभी तक मिलती रहे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।